बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ देवती भारद्वाज फ्रॉम समस्तीपुर विहार, ये कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस की एक प्रॉब्लम है। ये वॉल्यूम एंड सरफेस जब फाइंड करते हैं किसी कर्व के, जब वो रिवॉल्व करता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसका एक ये प्रॉब्लम है। फाइंड दी volume of the solid generated by revolving the cardioid r is equal to a bracket में 1 plus cos theta about the initial line, and initial line जो theta is equal to 0 होती है उस line के about जब हम इस cardioid को revolve कराते हैं, cardioid के equation है r is equal to a 1 plus का cos theta, ये curve है, जब इसको revolve कराएंगे initial line जिसको हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, इसी से सारे एंगल नापे जाते हैं और एक यहाँ पर पॉइंट लेते हैं जिसे कहते हैं पोल कहते हैं। ये कॉर्डियाइट लोग यहाँ पर बना सकते हैं, तो शायद इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है जो वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर ये जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक कॉर्डियाइट, तो इसका वॉल्यूम हमको तब निकालना है जब ये इनिशियल लाइन के अबाउट ये वाले कर्व जो है वो रिवॉल्व करे, जब ये इतना पोर्शन घूमता है, यानी सिर्फ इतना ही घुमाना है थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके इतना पोर्शन जो ऊपर इसका है, इतना ही पोर्शन अगर हम रिवॉल्व करा दें चारों तरफ घुमा दें तो एक सॉलिड बनेगा, एक सेप जैसा नज़र आएगा एक सॉलिड, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अब इनिशियल लाइन पोलर फार्म में है, ये पोलर फार्म में वॉल्यूम का फार्मूला थोड़ा सा चेंज मतलब अलग सा होता है, यानी जब इनिशियल लाइन के बाद घुमाते हैं तब फार्मूला कुछ और होता है, जब यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू यानी वाई एक्सिस के बाद रिवॉल्व कराते हैं तब फार्मूला कुछ और होता है। तो हमारा इस प्रॉब्लम में इनिशियल लाइन के अबाउट इस कर्व को रिवॉल्व कराना है, इतने पोर्शन को थीटा इज इक्वल टू देखने यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो ज़ीरो से पाई वाले पोर्शन को जब रिवॉल्व कराएंगे इनिशियल लाइन के अबाउट, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला ये हो जाएगा, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी जो हमें निकालना है वो वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉर्डियाइड भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला याद के लिए इनिशियल लाइन के लिए है टू, जब इनिशियल लाइन के अबाउट जब रिवॉल्व कराते हैं तब उसके लिए फार्मूला होता है टू पाई बाई थ्री, यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आर क्यू इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये किसी भी कर्व के लिए है। अब हम बात अगर इस कॉर्डियाइट की करेंगे तो वहाँ पर आर की वैल्यू कॉर्डियाइट के लिए जो इक्वेशन नंबर वन में लिखी है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और कितने पोर्शन पर को हमें रिवॉल्व कराना है तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। हमारे इस क्वेश्चन में पूरा इसका वॉल्यूम निकालना है, तो थीटा इक्वल टू जीरो से इतने पोर्शन को जब रिवॉल्व कराना है यानी थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई, तब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यानी 2 पाई बाई 3 0 टू पाई, r की वैल्यू है यहाँ पर a 1 प्लस cos थीटा होल ऑफ क्यूब है इंटू साइन थीटा इंटू टी थीटा, बस इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। इसमें जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लेंगे, यानी यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा और इस ब्रैकेट का क्यूब हो जाएगा, a क्यूब को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 0 टू पाई लिमिट है 1 प्लस cos थीटा होल पावर 3 इंटू साइन थीटा इंटू टी थीटा, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आसान है अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को कुछ मान लें माना कि टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा और थीटा का डी थीटा, टी का डी टी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो साइन थीटा इंटू डी थीटा है तो इसको इधर रखें माइनस को उधर पहुँचा देंगे राइट हैंड साइड में, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगी, तो जब थीटा ये लिमिट जो है वो थीटा की है यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई है, तो जब हम थीटा की वैल्यू रखेंगे जीरो रखेंगे तो देखेंगे लोअर लिमिट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू और थीटा के बीच में रिलेशन सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें हम रख देंगे जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ पर जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, इस तरीके से 1 2 हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो पाई की तो टी की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू हम पाई रखेंगे यानी थीटा इज इक्वल टू पाई रखेंगे तब देखिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस का कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू जो होती है
वो माइनस वन होती है, इस तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये लिमिट टू से ज़ीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट टू और अपर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वॉल्यूम, इसको वी से अगर डिनोट कर दें तो वी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, टू पाई बाई थ्री ए क्यू, तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, उनको लिख देंगे वहाँ पर, यानी वी की वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी टू, क्या बताया था हमने, टू पाई ए क्यूब बाई थ्री, कॉन्स्टेंट थे बाहर चल रहे थे, इनको हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद में हमने बोला था कि लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी टू और अपर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद दिखा दिया था हमने। और उसके बाद इसको हमने जब टी माना है तो टी क्यूब हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू देख रहे हैं कि माइनस डी टी की है, तो टी की पावर थ्री इंटू माइनस डी टी, टी की पावर थ्री माइनस डी टी, टी की पावर थ्री और माइनस का डी टी, और माइनस से हम लोग जानते हैं कि साइन इंटरचेंज हो जाता है, या इन लिमिट्स को इंटरचेंज, सॉरी साइन नहीं, लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, लिमिट को अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये जो माइनस साइन आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं, यानी हमने लिमिट को इंटरचेंज कर लिया, जो कि माइनस आ जाता है जो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ज़ीरो टू टू लिमिट हो गई, यानी ये माइनस हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, टी की पावर थ्री इंटू डी टी और इजिकल टू टू पाई ए क्यूब होल बाई थ्री इंटू, इसका पावर हो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर बढ़ जाती है एक, और उतने जितनी पावर होती है उतने से डिवाइड कर लेते हैं, लिमिट है ज़ीरो से टू, इजिकल टू टू पाई ए क्यूब होल अपान थ्री इंटू, इसमें अपर लिमिट यानी रख देंगे टू, रख देंगे टू की पावर फोर अपान फोर, और ये ज़ीरो की पावर फोर अपान फोर, तो इजिकल टू ये हो जाएगा टू पाई ए क्यूब अपान थ्री इंटू टू की पावर फोर की वैल्यू होती है सिक्सटीन अपार फोर, और ज़ीरो की पावर फोर करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, इस तरीके ये वैल्यू तो ज़ीरो के इक्वल आ गई, और ये वैल्यू कैंसिल होकर फोर आ गई, फोर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टू पाई ए क्यूब बाई थ्री और इंटू करेंगे फोर, तो ये वैल्यू हो जाएगी एट पाई ए क्यूब बाई थ्री। तो ये कुछ बच्चे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें कि जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें कार्डियाइट जो है उसका वॉल्यूम एट पाई ए क्यूब बाई थ्री होता है, चाहे कार्डियाइट इस वाले फार्म में हो तब भी इसका वॉल्यूम यही होता है, आर टू ए वन माइनस का कॉस थीटा हो उसका भी वॉल्यूम यही होगा, हमारा जो है प्लस वाला था, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडी फॉर लिसनिंग मी, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।